हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद अबू बकर। आज एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ मैं। और ब्लॉग का सीन आज ये है कि आज मैं बेसिकली जब से मैं अमेरिका आया हूँ मैं अकेला रह रहा था और ये मेरा रूम है, आप देख सकते हैं। अब फाइनली मैं अपने एक दोस्त के साथ शिफ्ट हो रहा हूँ और आज सुबह सुबह मैं उठा हूँ, ना मुँह धोया है, ना कुछ किया है, ना कंघी शंघी की है, उजड़े पुजड़े हालातों में मैं अब करने लगा हूँ अपनी पैकिंग स्टार्ट। पैक करके हम शिफ्ट हो रहे हैं एक नए घर में एक दोस्त के साथ। तो उसका फ़ायदा ये है कि ऑब्वियसली आपके साथ कंपनी हो जाती है, पहले मैं अकेला रहता था। सो लेट्स सी आज का कैसा दिन जाता है। वो इंसान जिसका कोई सलीका नहीं है तो वो मतलब मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे अपने ना चीज़ें पैक करूं और क्या। फिर मैं सोचता हूं कि इस तरह ही उठा के मैं गाड़ी में फेंक दूंगा, फिर मैं कहता हूं नहीं यार, इतना भी जानवर नहीं बनना चाहिए। थोड़ा सा इंसानों वाली जो है ना बंदे में होनी चाहिए, एटलीस्ट जो है ना दूसरों को देख के लगे कि यार बंदा इंसान है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना जो है सामान पैक शैक करूँ, पैक वगैरह करने के बाद गाड़ी को फुली लोडेड करूं और फिर हम जाएंगे नए घर में। और मेरा जो दूसरा दोस्त है वो अपने घर से आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को मैं अपने साथ साथ रखता हूं और होपफुली आप लोगों को ये पता लग सके कि कितना मुश्किल होता है कल्ले शिफ्टिंग करना। एक काम तो मैंने कर लिया है, फिर मैंने क्या किया है इसमें जो बेडशीट पीछे थी वो मैंने फोल्ड करके ना रखी है। अब एक काम हमारा हो गया है, 1555 काम रहते हैं। यार आप लोगों को क्या लगता है ब्रेड को कहाँ पे रखना चाहिए, इसको कैसे लेके जाना चाहिए? मुझे जो इसका तरीका समझ आया है वो ये आया है कि जो शौक से ही होते हैं ना कभी ज़िंदगी में नहीं मिले। अब यकीन करें कभी ज़िंदगी में नहीं मिले। और मैं कभी चिट्टा पहन रहा होता हूँ, कभी काला पहन रहा होता हूँ, लेकिन आज जब मैं जा रहा हूँ और मुझे ये देखें ज़रा इसके अंदर डला हुआ मुझे प्रॉपर एक मज़े का पेयर मिला। होपफुली एक पैक पैक हो चुका है, दो आ रहते हैं, उसके बाद गाड़ी में रखते हैं और फिर नए घर में जाते हैं। नए घर में जाके भी आपको नए घर का विजिट देखना पड़ेगा। जस्ट आई थिंक ये भी रख चुका हूँ, ये बैग भी आ चुका है। थोड़ी सी डिक्की को सीधा बदरा करके उसके बाद इसके अंदर सारा सामान रह जो रह गया है रिमेनिंग सामान वो रखना है। सिर्फ ये देखना है मेरे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कोई ऐसी चीज़ ना रह गई हो, और जस्ट टू मेक श्योर के कोई चीज़ ना भूल ना जाऊँ यहाँ पर। ये पता नहीं आप लोगों के सामने ये वाइड एंगल कैमरा में गाड़ी नज़र आ रही है कि नहीं, बाहर को मेरे दोस्त की गाड़ी जा रही है, वो भी सामान उठा चुके हैं घर से उसके और बैग बुक करके गाड़ी में उसने भी डाल दिया है, मैंने तो डाल दी है, वो बड़ी देर से आप लोग जानते हैं सामान सारा भरा हुआ गाड़ी में। सो अब फाइनली वी आर अबाउट टू रीच आर न्यू हाउस विच इज कूल। तो देखते हैं क्या सीन बनता है। और अभी मैं इतना थक चुका हूँ, सुबह से खाना नहीं खाया हुआ, एक दो शिफ्टिंग वगैरह हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर खाना चला खाएंगे। घर आ चुका है और अब घर के अंदर जाते हैं। बेसिकली ये घर है और ये अच्छा बना हुआ है, दैट्स द हाउस। और ये बाहर से है और अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये भाईजान बैठे हैं और ये हमारा रूम है। और फाइनली सुबह की मेहनत के बाद हम पहुंच चुके हैं फाइनली इन द न्यू हाउस, द न्यू रूम एंड एवरीथिंग इज़ न्यू। और अब जो है एक गाड़ी हमारी जो है वो रहती है, उसको अभी तक लेके आना है, अभी उसमें सामान पड़ा हुआ लेकिन वो पुराने घर ही है। दो गाड़ियाँ आ चुकी हुई हैं और एक गाड़ी रहती है, अभी हमने वो लेके आनी है। और आपको मैं ये चेक करा देता हूँ, इस घर में पीछे पूल वगैरह भी है। ओहो गुड सीन है, नीट एंड क्लीन। अब ये व्यू यहाँ से खिड़की से क्या होगा ये हमें सुबह पता लगेगा। ये भी इन्होंने एक नखरा रखा हुआ है दराज के तौर पे, ये नखरा है ये दराज नहीं है भाई। और ये पता नहीं क्या है, ये सुबह देखेंगे। तो भाई क्या मूड है, कब लेके आनी गाड़ी भाई? गाड़ी लिया था, सामान भाई क्या लेके आना है नहीं पता।
और ये देखिए तेरी, ये एक एक तेरी हो सकती है, एक मेरी हो सकती है। हाँ समझ रहे हो? तो क्या आपके क्या रिव्यूज हैं, मतलब व्हाट डू यू थिंक? ए बॉय लड़का ना बेसिकली थोड़ा सा कैमरा शाय हो रहा है, शर्मा रहा, थोड़ा सा टेंशन ही नहीं है आपने, इसको सेट कर लेंगे कुछ दिन में। तो आ जाओ फिर सामान ले आकर। अभी डॉग उसका किधर गया? दो ये कुत्ते से भी डर रहा है, हालांकि इधर अमेरिका के कुत्ते इतने मज़ेदार होते हैं, कुछ भी नहीं करते, आप यकीन करें, लेकिन ये जो है ना डर रहा है। अब मैं ना डर जाऊँ बाहर जाके, ये देखिए सामने बैठा हुआ। अभी कहना चाहिए तुझे, आ रहा है ना वो इनके सामने। इसको ना मैं समझाना चाह रहा हूँ कि गोरे बैठे हुए हैं, गोरों के सामने डरना नहीं है, वो माइंड कर देते हैं। तो ये बड़ा प्यारा कुत्ता है, ठीक है, डरना नहीं है। और कुत्ते से ये डर के निकल रहा है। भाई कुछ नहीं कहता इजी यार, सामान सामून रख लें जरा, हम ईजी हो जाए आप लोग, फिर आपको बताते हैं। तो क्या हम उठ चुके हैं, रात को मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि इतनी थकावट हो चुकी हुई थी। और मज़े की आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें तकिए वगैरह, ऑब्वियसली नए शिफ्ट हुए हैं अभी, सारी चीज़ें हमने लेके आनी है। और ये देखें ये सामान, ये सामान, ये सामान, सारे सामान बिखरे हुए हैं। तो हुआ ये है कि इस बॉय ने ये वाला तकिया इस्तेमाल किया है, और मेरे पास तकिया नहीं था, रुई थी हमारे पास, तो मैंने लिया शॉपर के अंदर मैंने डाली रुई। और ये देखें कैसा मज़ेदार तकिया, इंजॉयबल। बाहर वाला मैं आपको थोड़ा सा दिन के टाइम दिखाता हूँ घर। ये पीछे पूल एरिया है यार, आपने बार बार मतलब कैमरे में आ जाना है, क्या करना चाह रहे हैं आप? ये देखें ये हमारे शीतल पड़े हैं रात के, ये पता नहीं क्या है। पीटा पकड़ो यार, नाश्ता बनाए। और ये देखें ये एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, थोड़ी ना मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, ये खुद ही सारे फ्लोर को जो है ना साफ कर देगा। कैसे मज़े हैं यार। ओके यार इधर आ जाए यार, कुछ नहीं कहते थे तुम्हें। ये जो है ना रोबोट उसको जाके छेड़ता है, फिर ये इधर चला जाता है, फिर वो कुत्ता आगे उसको छेड़ता है, फिर वो कुत्ता चला जाता है, अब ये फिर आएगा थोड़ी देर तक। ये देखिए ये फिर आ गया और ये फिर इसके पास जाने लगा। यार आप उधर ही जाके टकरे मारे जा रहे हो, क्या कर रहे हो आप साफ ही नहीं कर रहे, आप उधर ही मतलब 4-5 मिनट हो गए आप उधर ही लगे हुए। हाँ जी हाँ हाँ कुछ सालन बनाया था और उसने हमें ले लिया था, जिसमें चिकन का सालन है और साथ में हरी है, तो वो गर्म करेंगे साथ। रोटियां हमारे पास है नहीं तो हम टॉर्टिया ले आए हैं, तो हम टॉर्टिया को गर्म करके नाश्ता बनाएंगे और खाएंगे ऑब्वियसली, और क्या करना है। और बाकी व्लॉग यहीं से एंड कर रहा हूँ क्योंकि इतनी अभी सेटिंग वगैरह भी करनी है और चीज़ें भी करनी है। थैंक यू।